नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। दिल्ली नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी है। अब तक 206 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से 110 सीटें आम आदमी पार्टी और 89 सीटें भाजपा ने जीती है। कांग्रेस भी 6 सीट जीतने में कामयाब रही। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। अबुल फजल से कांग्रेस उम्मीदवार अरिबा खान ने जीत हासिल की है। उनके पिता आसिफ खान चुनाव के दौरान पुलिस कर्मियों से बदसुल्की के आरोप में जेल में बंद है। कांग्रेस ने जाकिर नगर सीट भी अपने कब्जे में कर ली है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के विधानसभा क्षेत्र शकुर बस्ती में भाजपा ने तीनों सीटें सरस्वती विहार, पश्चिम विहार और रानीबाग जीत ली है। चुनाव आयोग के मुताबिक 90% मतगणना पूरी हो चुकी है। सुल्तानपुरी वार्ड से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार बॉबी किन्नर चुनाव जीत गई है। बॉबी इन चुनाव में बहुत चर्चा में रही। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली से कांग्रेस की 15 साल की सत्ता को उखाड़ा था, अब एमसीडी से भाजपा की 15 साल की सत्ता को उखाड़ दिया। इसका मतलब है कि लोग नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते, लोग बिजली, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट देते हैं। 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़। का मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते। लोग स्कूल, अस्पताल, बिजली, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट देते हैं। मुझे बोलने पर अभी मेरा दिख रहा है, बीजेपी वाले में बोल लेना आप। बीजेपी आप तो बोलते रहते हो। जी जी, जी थोड़ा आम आदमी पार्टी के बारे में बोल रहे। सर, गुजरात को लेके क्या आकलन है कल? सब अच्छी बातचीत हुई है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और एमसीडी में हमारी बहुमत आ रहा है। अब दिल्ली की सफाई होगी, असली झाड़ू अब दिल्ली के कूड़ा के पहाड़ों पर चलेगा। सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले साथ साथ सीएम यहाँ पे रोड शो कर रहे थे, 450 एमपी रोड शो कर रहे थे। इन्होंने जानबूझकर इकट्ठा रखा कि शायद आम आदमी पार्टी को हम गुजरात में बिजी कर लेंगे या एमसीडी में बिजी कर लेंगे। लेकिन कल वाले नतीजे भी इसी समय मैं आपके पास आऊंगा, कल वाले नतीजों का भी मैं यही रिजल्ट। लेकिन एग्जिट पोल तो नतीजे हैं, वो गुजरात में आपको सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रहे हैं, जबकि एग्जिट पोल तो आज भी हमें कुछ नहीं। इसका मतलब है कि सपोर्ट अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं, एग्जिट पोल पे यकीन नहीं है।